एक जबरदस्त लहर, एक वेव जो मोदी जी के प्रति जनता का समर्थन, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी को जो प्यार मिल रहा है, जो जनता का सहयोग मिल रहा है, जो आम जनमानस की सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को और श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को मिल रही है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सबसे बड़ी जीत जिसका मैंने जिक्र किया कि देश की 20 बड़ी जीतों में एक जीत जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर होगी। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू में 16 अप्रैल की रैली में कहा था कि हमें जिन लोगों ने 70 साल कश्मीर को बर्बाद किया उन लोगों से बचना है, जिन लोगों ने कश्मीर को बर्बादी के मंजर दिखाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर तबाहकुन मंजर लाए, जिन सियासी जमातों ने कश्मीर के अंदर लोगों को परेशान किया, ऐसी जो जमातें हैं जो जब हुकूमत में थी उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर की आवाम की दुश्मन है उनसे हमें बचना है और मिलकर जो आवाम की बेहतरी के लिए, अमन और खुशहाली के लिए काम करने वाले जो सियासतदान चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे लोग जीत कर आए जो कि कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के अमन भाईचारे और खुशहाली में अपना योगदान करें, कंट्रीब्यूशन करें। और ऐसे तमाम सियासी नेता जो हमेशा कश्मीर में आग लगाने की सियासत करते हैं, ऐसे सियासतदान, ऐसी सियासी जमातें जो कश्मीर में इश्तियाल अंगेजी करके खूनी खेल खेलती हैं, ऐसे सियासी जमातों से हमें बचना है। अमन, खुशहाली और डेवलपमेंट की बात करने वालों को हमें जिताना। एक अहम सवाल रहेगा रजौरी अनंतनाग सीट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहां पर इस समय जो मुख्य मुकाबला दिख रहा है वो महबूबा मुफ्ती और एनसी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें दिख रहा है। अगर रविंद्र रैना की बात करें तो रविंद्र रैना का वोट भी वहां पर है, विबोध गुप्ता का वोट वहां पर है, आपके वहां पर डीडीसी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं ये किसको वोट करेंगे, पीडीपी को या फिर एनसी को, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार जो है वो उतारा ही नहीं है। आप इन लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं तो क्या जिस तरह से आपने कहा कि इन पार्टियों ने लोगों को बर्बाद किया तो बीजेपी ने इन लोगों को उनके हवाले छोड़ दिया है, रजौरी पुंछ और अनंतनाग के लोगों को? अनंतनाग रजौरी पुंछ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट पर सबसे ताकतवर सियासी जमात है। अनंतनाग हो, पहलगाम, बीच बिहारा, श्री गुफवारा, कुकरनाग, शांगस, डोरू, कपरन, शाहबाद, काजीकुंड, देवसर, कुलगाम, दमाल, हाजीपुरा, नूराबाद, जैनपुरा जो कि शुपियन का हिस्सा है, और वहीं नौशहरा, रजौरी, बुद्धल, कोटरंका, दरहाल, थना मंडी, मंजाकोट या फिर सुरनकोट, मेंढर और पुंछ हवेली, इन सभी जो असेंबली सेगमेंट्स हैं यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत तरीन सियासी जमात है। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट जो सीट है वहां के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने
हमेशा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की, बड़े ताकतवर सियासी कद्दावर शख्सियत के मालिक अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट पर बीजेपी में शामिल हुए और आज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा है, लेकिन फिर भी जिसके सर पर या जिसकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी उसी उम्मीदवार की जीत होगी, ये बात पक्की है। चूंकि मैं खुद उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन में लगा था और वहां इलेक्शन अब पूरा हो चुका है और जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर कैंपेन चल रही है, जबरदस्त कैंपेन हम सब यहां कर रहे हैं। मैं अपने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो पार्टी के वरिष्ठ हमारे केंद्रीय नेतृत्व में सहयोगी साथी हैं उनसे चर्चा करके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय करेगी कि अनंतनाग रजौरी में भारतीय जनता पार्टी का क्या लायमन रहेगा, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति होगी और बारामूला जो नॉर्थ कश्मीर की पार्लियामेंट सीट में भारतीय जनता पार्टी की क्या